फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये आकृति गिनना बताऊंगी। ये रेलवे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगी कि कैसे आप फिगर काउंटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके क्वेश्चन देखिए ऐसे आएंगे तो आपने इसको कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 4 हमारी ये देखिए लाइनें हैं। अगर हमारी त्रिभुज ऐसे आ जाए और 4 लाइन हो तो हमने देखिए बहुत ही इजी है क्या करना है इसको। पहले हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखना है, 1 2 3 एंड 4 देखिए ये हमने 1 2 3 4 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 इक्वल टू, अब देखिए हमने सारे को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 यहाँ पे हमारा 10 आंसर आ जाएगा। देखिए अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए या यहाँ पे 4 की जगह 5 हो 6 हो कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ सारे को प्लस करके फिर काउंट करके आपने ऐसे लिख देना है। अब चलिए एक देखिए ऐसे ही और है, बट यहाँ से ये देखिए डबल है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 अब इसको क्या करना है फ्रेंड, सेम वही प्रोसेस होगा। देखिए 1 plus 2 plus 3 plus 4 इक्वल टू 10 आएगा हमारा, ये टोटल आप ऐड कर देंगे, देखिए आंसर हमारा 10 आया। फिर हमने अब ये वाला करना है, देखिए यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे, 2 3 4 ये देखिए 1 2 3 4 मतलब ये हो गया। फिर हमने क्या करना है, यही हमने फिर प्रोसेस करना है इसका भी, 1 plus 2 plus 3 plus 4 इक्वल टू 10। अगर फ्रेंड सपोज दैट यहाँ पे मेरा 2 है, अगर आपने ऐसे ये 3 आया ठीक, तो फिर भी आपने यही प्रोसेस करना है। देखिए अगर आपका ये 3 आया तो आपने यही प्रोसेस करना और कुछ भी नहीं। फिर हमारा ये आंसर टोटल 10 plus 10 हो जाएगा, इक्वल टू 20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड है, इसमें क्या करना है, ये भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप लोग केयरफुली देखें। ये थर्ड है, अगर ऐसी त्रिभुज आ जाती है देखिए आप लोग के क्वेश्चन में, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, आप लोग केयरफुली देखें फ्रेंड। आपने यहाँ से देखिए स्टार्ट करना है, हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए अंक क्या है, तो यहाँ पे 8 है सबसे बड़ा, 1 सबसे छोटा है, 1 से स्टार्ट है और 8 पे हमारा ये ख़त्म है, तो 8 सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक को लेके हमने क्या करना है, देखिए 8 हमारा सबसे बड़ा है, तो हमने इसको देखिए 8 से हमने हमेशा 2 का गुणा कर देना है। जैसे 8 सबसे बड़ा है, 8 multiple 2 इक्वल टू कितना आएगा,
16, ये हमारा आंसर है। ये देखिए, अगर यहाँ पे 9 होता है, 10 होता है, कुछ भी होता है, जितने भी बड़े अंक होते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ 2 का हमने मल्टीपल कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखिए, आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, बट ये कुछ भी हार्ड नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए भी देखिए हमने क्या करना होता है, देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये मेरा थोड़ा, आप लोग सही से बनाइएगा फ्रेंड। 1, 2, यहाँ पे हमारा 3 और 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। देखिए हमारे टोटल यहाँ पे 8 होंगे, ठीक 8 हो गया। फिर हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, यहाँ पे 8 आया, तो फिर हमने क्या करना है, 8 मल्टीपल 2, यानी यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 8 मल्टीपल 2 यानी 60। फिर हमने जो इसके अंदर के हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर वाले जो हमने लिखने हैं, यहाँ पे भी देखिए हमारे 8 ही हैं। देखिए 1, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यहाँ से लिखा जाएगा 1, 2। आप लोग सही से बनाइएगा, लेकिन जैसे मैंने बना दिया, 8 हमारे यहाँ पे भी हो गया फ्रेंड्स। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे भी 8 है, तो 8 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 60। देखिए अब हमने क्या करना है, टोटल 60 प्लस 16, अब हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 32, ये हमारा आंसर है 32। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अगर आपके क्वेश्चन पे आ गया तो आप इजीली इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 7 और यहाँ पे 1, 8 हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 8 आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी हमने क्या करना है, 8 का मल्टीपल, देखिए 2 इज इक्वल टू देखिए 16। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमारा ये बना है, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे, देखिए ऐसे, ये देखिए हमारा यहाँ से बन रहा है ना, ये ऐसे ले जाएंगे और ऐसे, तो यहाँ पे 1 और 2। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3, 1 प्लस 2 बराबर 3। उसके बाद देखिए हम 16 में 3 को हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो कितना यहाँ पे आएगा, 19 आएगा। बहुत लोग ऐसे आंसर लिख देते हैं कि ये लगता है सही, लेकिन फ्रेंड्स ये सही नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये देखिए हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक ये मैंने बताया ना, एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और एक ये पॉइंट, ये देखिए ये हमारे 2 पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो हमने अब 19 में 2 प्लस कर देना है, देखिए यहाँ पे 2 प्लस कर देना है, यहाँ पे देखिए 2 प्लस हो गया। उसके बाद हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 21, ये हमारा आंसर है। आप लोग सोच रहे होंगे 19 है, 19 नहीं आएगा,
क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे दो बिंदु है, एक ये और एक ये, तो दो हमने इसमें क्या करना है ऐड कर देना 19 में, फिर यहाँ पे हमारा 21 आंसर आ गया। अब देखिए एक ये है, इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, ये भी बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमारा देखिए सबसे बड़ा क्या है, 4 है, और यहाँ पे भी 4 है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा 4 × 2 = 8, फिर हमने इसका भी 4 × 2 = 8, फिर टोटल कितना हुआ 8 8, हम यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। फिर अब देखिए हमने भी यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये देखिए दो बिंदु है, कितने बिंदु हैं 2, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 16 + 2 = 18, यानी 16 + 2 = 18, तो ये हमारा आंसर है। देखिए ये हमारा 16 आंसर है। क्यों यहाँ पे हमने 2 ऐड किया है आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए एक हमारा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, तो ये हमारी दो बिंदु है, एक ये और एक ये, इसलिए हमने 2 ऐड किया। अब देखिए एक ये है, सेम उसी तरह इसमें 2 है और इसमें 3 हमने बनाया है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हमने 1 2 3 4। अब देखिए हमने क्या करना है इसको, अब देखिए फिर हमने ये 4 × 4 = 2, यहाँ पे कितना आएगा 8, फिर 4 × 2 = 8, 4 × 2 फिर 8, तो यहाँ पे हमारा 8 8, यानी 8 8 16 8 3 24, ये हमारे टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 24 24, फिर ये हमारा आंसर नहीं है फ्रेंड्स, हमारे आंसर देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारे कितने बिंदु हैं, ये हमने नोट करना है कि हमारे यहाँ पे कितने बिंदु हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक हमारा बिंदु ये है और एक ये देखिए ये हमारा ऐसे रहेगा।